गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड। कल एक बहुत हेक्टिक दिन होने की वजह से आज मैं काफ़ी अच्छा सोया, बट थोड़ा सा लेट उठाऊँ। इट्स अराउंड 8:15 राइट नाउ। तो अभी मैं एक छोटा सा रीडिंग सेशन लगाऊंगा एंड एक केला और एक स्कूप प्री वर्कआउट लेके हम अब सीधा जिम में मिलेंगे। सो या लेट्स गो। वेलकम टू आर्म डे। पहले मूवमेंट के लिए ट्राइसेप पुश डाउन्स एज यूजुअल। लास्ट टाइम हम लोग ने बहुत कार्ब्ड अप आर्म डे किया था, मेरे को याद है अच्छे से। एंड हमको 28 kg के साथ आई थिंक 8 reps मिले थे अब हमारे खुद से, एंड 2 reps हेल्प करी थी। सो एनीवेयर अबव 6 टुडे इज हैप्पी फॉर मी बिकॉज आज मैं खाली पेट ट्रेन कर रहा हूँ एज यूजुअल। तो लेट्स गो। ओके, लास्ट टाइम प्रीशर कर्ल के टॉप सेट में को 53 kg के साथ 7 reps आए थे, वेरी वेरी स्लो एंड कंट्रोल्ड। एंड पिछले 2 सेशन से मैं 53 for 7 पे अटका हूँ, तो आई थिंक टुडे इज द डे वी ब्रेक आर 7 reps का प्लेटू। लेट्स एम फॉर 8 reps एंड आई थिंक आएंगे, फील आ रही है। एंड आई एम सॉरी, आज मोस्ट ऑफ द क्लिप्स के ऊपर मेरे को गाना डालना पड़ेगा बिकॉज जिम म्यूजिक इज वेरी लाउड एंड कॉपीराइट ये। That's 7. Okay. That was 8 reps. One more than last time. Let's go. Mogged. ओके, आर्म डे बेसिक प्लान ऑफ एक्शन तो बताना ही भूल गया। 6 sets ट्राइसेप्स एंड 6 sets ऑफ बाइसेप्स। तो पुश डाउन पे मैंने 3 sets कर लिए, टॉप सेट आपने देख ही लिया होगा। एंड देन उसके बाद हमने ऑल्टरनेट करने के लिए बाइसेप पे प्रीचर कर्ल्स किए, वो भी आपने देख लिया होगा। तो पुश डाउन पे 3 sets किए थे, प्रीचर कर्ल्स पे 2 sets किए थे सिर्फ, क्योंकि मुझे आज हैमर कर्ल्स करने का थोड़ा मन कर रहा है, इसलिए मैंने 1 set रिजर्व में उसके लिए छोड़ा है। बट नाउ वी गोना डू स्कल क्रशर्स। पहले 2 sets में ऑलरेडी कर चुका हूँ, अपना टॉप सेट भी कर लिया 10 kg के साथ, एंड दूसरा सेट 7.5 से लिया था, बट ही गॉट अ डिसेंट नंबर ऑफ रेप्स उसमें। तो अभी 7.5 kg के साथ ही वापस से एक और सेट करेंगे स्कल क्रशर्स पे, एंड उसके बाद शायद से 2 sets ईजी बार कर्ल पे एंड 1 set हैमर कर्ल्स पे, एंड वी लैंड अ राउंड डे। तो लेट्स गो। ओके, एक फाइनल सेट बचा है इसी बार कर्ल्स पे, एकदम आराम से करेंगे, स्लो कंट्रोल्ड प्रॉपर टेक्निक के साथ में, ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन। लेट्स गो। We'll be right back.
गाइस क्या सुंदर पैनकेक बनाया मैंने। बोल ना वो क्या बोला काय तुझा नाका दोन पाय बोल ना यार दूध नहीं है होगा थोड़ा तो होगा अप क्लोज एंड पर्सनल ये ऑल राइट गाइस कट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे। प्लीज़ वीडियो का ये पार्ट स्किप मत करना, ट्रस्ट मी इतनी अच्छी नॉलेज आपको फ्री में ज़्यादा लोग नहीं देंगे मेरे अलावा। और तो कल घर पे आने के बाद मैं जब इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा था मैं एक पर्सनल फाइनेंस के सेक्शन पे पहुंचा था, तब मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, बट आज सुबह जब हम लोग ट्रेन कर रहे थे तब हमने सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात किया एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि भाई सेविंग ऑन अर्ली इन योर लाइफ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है वो बहुत सिंपल है। अभी मैं 20 साल का हूँ राइट, मेरा मेन खर्चा जो भी है वो है पेट्रोल, दैट्स लिटरली इट, और मतलब थोड़ा खाना पीना, बट वो भी अगर मैं सोचूं कि मैं नहीं मैं आज से सिर्फ घर का ही खाना खाऊंगा तो मेरा वो भी खर्चा निकल जाएगा। बट 10 साल बाद जब मैं 30 साल का हूँगा और अगर मेरे बीवी बच्चे होंगे तब मेरा खर्चा कितना ज़्यादा होगा राइट। घर है, घर चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सपोज़ राशन चाहिए, बीवी बोले कि भाई तेल ले क्या, आटा ले क्या, मैं नहीं तो नहीं बोल पाऊंगा ना, मेरे को सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू ट्रैक ईच एंड एवरी एक्सपेंस ऑफ माइंड। बच्चे लोग का स्कूल होगा, उसके लिए ना तो नहीं बोल सकते ना, द रेट एट विच स्कूल फीस आर इंक्रीजिंग, मतलब मेरे को तो डर लगता है कि यार शिट क्या करेंगे हम लोग। तो ऑब्वियसली बात है ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूँगा नहीं भाई इनको नहीं पढ़ाएंगे, इनको ऐसे अनएजुकेटेड रहने दो, दैट्स नॉट गोना हैपन। हमारे एक्सपेंसेस ओवर टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एट दिस एज, एट अ यंग एज 18 to 24 वाली एज में आपका सेविंग का मार्जिन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टिंग का मार्जिन भी अच्छा खासा आप रख सकते हो। एंड इफ़ यू यूज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड रेट ऑफ ग्रोथ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन सब चीज़ों की अगर आप पावर समझो एंड इफ़ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम अ वेरी अर्ली ऑन एज 18-19 वाली एज से, ट्रस्ट मी अगर आप एक्चुअली में बैठ के सब कुछ प्लान आउट करो ना, आप 45-50 की एज पे रिटायरमेंट ले सकते हो वेरी इजीली। उससे भी पहले अगर आप थोड़े से वेल्दी बैकग्राउंड से आते हो और आपके पास पैसा है स्पेयर करने के लिए, सब कैसे होगा उसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, उसकी मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगा। उसमें मैंने मेनली फोकस किया था अबाउट व्हाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है। बिकॉज आई रियलाइज कि वाई तो सब बता दिया, बट यार ग्राउंड रियलिटी, पैसे कहाँ से आएंगे, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मैं करेंटली 20 साल का हूँ, अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में हूँ एंड आई नो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्वेस्टिंग में मेरी एज के लोगों को यही आता है कि पैसे किधर से आएंगे, बिकॉज आई नो कि हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। एज अ स्टूडेंट कहाँ से पैसे कमाऊँगा भाई, हाउ विल आई टेक आउट मनी साइड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपको मैं दो एडवाइस दूंगा, ठीक है। सबसे पहली है अपने पेरेंट्स से मांगो, बिकॉज दैट्स दी ओनली वे, ठीक है। अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ या कोई भी अच्छा वीडियो दिखाओ अबाउट पर्सनल इन्वेस्टमेंट एंड उनको बोलो कि मुझे महीने में 500-1000 रुपये कुछ तो भी चाहिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में या कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, और मैं उसका कुछ भी नहीं करूँगा। एंड आप उसको वो जो पेमेंट है वो आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से लिंक भी कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट दैट, तो उनके उससे ही जाएगा बट आपके नेम के अंडर वो इन्वेस्टमेंट चालू होगा। एंड जब आप खुद का पैसा कमाने लगो देन यू कैन ब्रेक दैट लिंक एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग बाय योरसेल्फ। एंड अगर आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ये सब प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग के, देन आई एम 100% श्योर दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू दैट मनी। बट सपोज़ वो 1% ऐसा आ गया कि उन्होंने नहीं बोला, अब मैं आपको कुछ अनएथिकल चीज़ें बताने वाला हूँ, आई मीन नॉट एक्चुअली अनएथिकल बट ये आपको हेल्प कर सकता है। सोर्स ऑफ मनी पेरेंट्स ही होने वाले हैं, बट आपको पूछना थोड़े अलग तरीके में, ऐसा समझो हर वीक आपको एम करना है कि आप 150 to 200 रुपीज़ उनसे मांगो, डोंट से इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ ऐसी चीज़ के लिए मांगो जिनके लिए वो नहीं बोल ही नहीं सकते। जैसे बोले पेट्रोल भराना है, ऑल दो आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, बोले पेट्रोल भराना है 200 रुपये लो, अगले वीक वापस 200 रुपये लो, ऐसा करो जब तक 500 रुपये नहीं बन जाते, देन यूज़ दैट 500 रुपीज़ टू इन्वेस्ट, वेरी सिंपल, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने माँ बाप से झूठ बोलो, प्लीज़ मेरी बात को ट्विस्ट करके कुछ और मत करना, मैं हाथ जोड़ के विनती मांगता हूँ, बट दिस इज़ वन वे टू डू इट एंड ट्रस्ट मी 15-20 ईयर्स डाउन द लाइन जब आप अपने पोर्टफोलियो को खोलोगे और देखोगे कि आपका पैसा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इवन दे विल बी हैप्पी एंड यू विल बी हैप्पी, तो एट दी एंड दोनों विनर हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि वेयर टू इन्वेस्ट. तो फन फैक्ट, पर्सनल फाइनेंसेस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मेरा फाइनल सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है. तो इस जवाब का आंसर देने के लिए हम अपने नोट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है. हम लोग इस पूरे अगले सेगमेंट के लिए ये अज्यूम करके चलेंगे कि पर मंथ हमारे पास सिर्फ 500 से 1000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए. एंड ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी अभी कोई नौकरी नहीं है, एंड जो भी ये 500-1000 रुपये हैं ये हम अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं. एंड एट अ फ्यूचर डेट, एट अ फ्यूचर टाइम, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा. तो पहली पैरामीटर फॉर पर्सनल इन्वेस्टमेंट इज रिस्क प्रोफाइलिंग. रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब बेसिकली यही होता है कि आप कितनी रिस्क रेडीली ले सकते हो. एंड रिस्क हैज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप विथ योर एज. बट मतलब कैसा है कि अगर आपकी उम्र कम है तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, एंड आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप कम रिस्क लोगे. ये जो प्रिंसिपल है वो इस असम्पशन पे बेस्ड है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड या एक अच्छा खासा कैपिटल है जिसपे आप फॉल बैक करोगे. बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम इन्वेस्टमेंट के ही पैसे अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, ये जो कैपिटल वाला सीन है वो हमारे केस में फिट नहीं होगा. तो हम बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. इंस्टेड आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी टाइप की म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो. वाई? म्यूचुअल फंड्स के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं. सबसे पहला तो यह कि आई नो कि बहुत लोग एक नॉन कॉमर्स या नॉन फाइनेंस के बैकग्राउंड से देख रहे हैं एंड उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता नहीं है. तो बेस्ट पार्ट अबाउट म्यूचुअल फंड्स इज कि आपको सिर्फ पैसे डालना है, आपका नौकरी सिर्फ वही है. वहाँ पे एक म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है जिसको एग्जैक्टली मालूम है आपके पैसे कहाँ पे डालने हैं, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है. ये सब टेंशन वो लेगा. आई नो मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जो लोग बहुत हाई रिस्क वॉलेटाइल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स, ऐसे मार्केट्स में जाते हैं. एंड वो लिटरली पूरा दिन सिर्फ स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, चेक करते कि उनका पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, ये हुआ. टेंशन नहीं लेना रे लाइफ में उतना. म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, भूल जाओ, लिटरली फॉरगेट अबाउट इट. एंड जब आपकी इन्वेस्टमेंट मेच्योर होगा या जो भी आपका प्लान है जब वो होगा तब आप अपने पैसे निकाल लो. क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टमेंट में ये होनी चाहिए कि सुकून की रात को चैन की नींद आनी चाहिए, ठीक है. नंबर वन प्रायोरिटी वही होता है. इन्वेस्टमेंट के बारे में टेंशन नहीं लेने का. इंस्टेड आपका जो लाइफ के एक्चुअल गोल्स हैं हमको अपना टाइम उस पर फोकस करके स्पेंड करना है. विच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर टू, डाइवर्सिफिकेशन. मैंने इसके बारे में पहले भी आई थिंक यूट्यूब पे बात करी है कि हाउ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी डाइवर्सिफाइड. बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे पास सिर्फ 500 से 1000 रुपये स्पेंड करने के लिए, हम ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर ही नहीं सकते. बिकॉज मोस्ट गुड म्यूचुअल फंड्स, उनकी जो SIPs रहती है उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है दैट इज़ 500 रुपीज़. अब अगर आपको मिली 500 रुपये रहे तो आप कैसे डाइवर्सिफाई करोगे? सिंपल आंसर, ऐसे म्यूचुअल फंड्स चूज करो जिसके अंदर जो एसेट्स है वो ही डाइवर्सिफाइड है. सो दैट समथिंग कॉल्ड एज फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड मल्टी कैप फंड्स, जहाँ पे जो आपका पैसा होता है वो वेरियस टाइप ऑफ एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना है एंड स्ट्रिक्टली इक्विटी में ही ट्रेड करना है तो भी आप मिड कैप, लार्ज कैप फंड्स या इंडेक्स फंड्स में ट्रेड कर सकते हो. जिसके थ्रू होगा क्या बेसिकली इज़ दैट आपका जो पैसा होगा वो टॉप 50 या टॉप 100 वाली कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन में चला जाएगा. एंड ऑटोमेटिकली आपके रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएंगे बिकॉज ये जो टॉप 50 टॉप 100 कंपनीज होती हैं ये अलग अलग बैकग्राउंड्स की होती हैं. जैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली होंगी, कुछ फार्मेसी वाली होंगी, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर वाली होंगी, कुछ टेक वाली होंगी. तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन होगा वो ये टेक केयर कर लेंगी आराम से. एंड थर्ड पॉइंट जो आज का होने वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इज़ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड टाइम होराइजन. हमारा मेन फोकस है कि हमको लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रिंसिपल्स को अब्यूज़ करना है. एंड जो महीने के 500-1000 रुपये होते हैं उसको 30-25 साल बाद 1-2 करोड़ रुपए में कन्वर्ट करना है, ठीक है. दैट्स आर गोल. एंड स्पेशली क्योंकि हमारे पास पैसे अभी 500 से 1000 रुपए ही हैं, इसलिए आई वुडेंट सजेस्ट एनीवन कि आप शॉर्ट टर्म गेन्स लेने का ट्राई करो. ट्रस्ट मी, मे बी एक दो बार वो चलेगा बट देन एक दिन ऐसा लॉस आएगा कि जो भी कमाया था वो सब चला जाएगा. सो ये सब जो भी डिसीजन हैं लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ सोचो. एंड आज का फाइनल पॉइंट होने वाला है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो यू हैव टू कंसिडर द रियल रेट ऑफ रिटर्न. रियल रिटर्न्स मतलब वो रिटर्न्स जो इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करते हैं अपने में. इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज़ द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर. बहुत सिंपल है. 10 साल पहले वड़ा पाव 5 रुपये में मिलता था, आज 20 रुपये में मिलता है. क्यों? इन्फ्लेशन. लेट्स अज्यूम कि हर साल इन्फ्लेशन 3-4% होता है. अब अगर आपने अपने सारे इन्वेस्टमेंट एक बैंक FD में डाल दी जहाँ पे रिटर्न ही 3.5-4% तक का मिलता है तो आपको टेक्निकली रिटर्न 0% मिल रहा है. बिकॉज आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी उसकी फ्यूचर वैल्यू अगर आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करके देखते हो तो वो सेम टू सेम ही रही है.
देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस. एंड इन्फ्लेशन के साथ साथ एक चीज़ के बारे में जो लोग बहुत बात नहीं करते हैं इज द इंक्रीज इन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ऑब्वियसली एज यू ग्रो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदने या यूज़ करने का मन करेगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप 22-23 ईयर्स के हो और आप हॉस्टल में रह रहे हो या पीजे में रह रहे हो, ऑफकोर्स 5-6 साल बाद यू विल वॉन्ट टू मूव आउट टू अ बिगर फ्लैट, मे बी अ 2 BHK. बच्चे हो जाएंगे 3 BHK एंड देन जब आप रिटायर करोगे आपको एक बड़ा सा आराम बढ़िया घर चाहिए होगा. तो ये सब चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ता है, बट उसका जो मैथ्स एंड वैल्यूएशन ब्रेक डाउन होगा उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे. इंस्टेड आई एम गोना शो यू गाइस सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कि एज अ स्टूडेंट अगर आप 500 रुपये आज के डेट पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो हाउ दैट विल लुक लाइक. तो लेट्स लुक एट दिस. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 500 रुपये फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स इन्वेस्ट करने वाले हो एट अ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 12%. नाउ सेंसेक्स और जो निफ्टी के जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उन्होंने हिस्टोरिकली 12-13% से कम रिटर्न कभी भी दिया नहीं है. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, 12-13% बहुत आसानी से रिटर्न मिल जाता है साल का, ठीक है. बट ताकि हम लॉन्ग टर्म में सारे रिस्क एवरेज आउट करें इसलिए मैंने 12% पकड़ा है. 500 रुपये पर मंथ आफ्टर 30 ईयर्स विल अमाउंट टू 17 lakh rupees, विच इज़ प्रीटी डिसेंट. अब अगर आपके पेरेंट्स आपको 1000 रुपये दे रहे हैं तो ये 17 lakhs के अलावा 35 lakhs के आसपास आएगा. एंड अब हम बात करेंगे, लेट्स से आपके पास बहुत अच्छा घर पे फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आप 5000 रुपये मांगो आपके पेरेंट्स से. अगर आप 5000 रुपये मांगोगे आपके पेरेंट्स से पर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए सेम 30 ईयर्स एट 12% ग्रोथ रेट पे, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1,76,000, शिट सॉरी माय बैड. एंड ये बहुत डिसेंट अमाउंट है. अब एक वीडियो ख़त्म करने के लिए एक फाइनल कंसिडरेशन देखते हैं. लेट्स से आपकी एज 24-25 हो गई है एंड एट दिस पॉइंट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये याद रखना, जो भी सैलरी आएगी उसको ऐसे मत देखना कि सैलरी इसमें से हम जो भी खर्चा है वो सब स्पेंड करेंगे और जो बचेगा वो इन्वेस्ट करेंगे. नहीं, सैलरी माइनस इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. एक सर्टन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी लेके चलो कि भाई इतना पैसा तो इस महीने इन्वेस्ट करना ही है, इसमें से जो बचेगा उससे खर्चा का देखेंगे, ठीक है. आई नो ऐसे ऐसे लोग जो 25-30 से ज़्यादा 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं SIPs में. एंड ये देखो, दिस इज़ व्हाट विल लुक लाइक अगर आप 20,000 रुपये एक 14% ग्रोथ रेट पे, मैंने ग्रोथ रेट बढ़ाई है बिकॉज एट दिस पॉइंट आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो बिकॉज आपके पास कैपिटल है फॉल बैक ऑन करने के लिए. दिस इज व्हाट इज गोना लुक लाइक अगर आप 20,000 रुपये 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो एट 14% ग्रोथ रेट, 2.67 crores. तो इमेजिन अगर आपके पास जो भी आपने गोल सोचे हैं कि मतलब यू नो 40 के बाद मेरे को घर बनाना है, बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ाई करने के लिए, 2.6 crores इज़ मोर देन इनफ आपके जो भी गोल्स है उसको लाइक यू नो अचीव करने के लिए. तो या दिस इज़ प्रेटी मच द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड द पावर ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. थोड़ा सोचो इसके बारे में, मैं भी अभी भी सीख ही रहा हूँ बट मेरे को जितना आता है मैंने आपके साथ शेयर किया है. एंड बहुत सारे सोर्सेज हैं ऑनलाइन, मैंने सब ऑनलाइन सीखा है. ऑफकोर्स ये जो चीज़ें हैं ये कॉलेज में भी पढ़ाई जाती हैं बिकॉज मैं BBA इन फाइनेंस कर रहा हूँ इसलिए मेरे को ये सब पता है. बट अगर आपको नहीं पता, एजुकेट योर सेल्फ अबाउट दिस एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने 18-20 साल की उम्र में अच्छे से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, बाय द टाइम यू आर 40-45 आप आराम से रिटायर कर सकते हो खुद को. कैसे करना है वो आपको पढ़ाई करनी है एंड जो भी मैंने आज की वीडियो में बताया उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करो. एंड ये जो कैलकुलेटर था ना, दैट्स फ्रॉम अ वेबसाइट कॉल्ड ग्रो, बट आप कोई भी SIP कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो. वहाँ पे चेक करो कि अगर मैंने इतना पैसा इतने टाइम के लिए इतने रेट पे डाला था वो कितना बनेगा. एंड ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के यू कैन लिटरली प्लान योर एंटायर रिटायरमेंट. तो या आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, होपफुली दैट हेल्प यू आउट एटलीस्ट अ लिटिल बिट. एंड अब हम मिलेंगे कल एक बढ़िया से लेग डे के लिए जो मैं अभी अभी करके आया हूँ. सो या सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, बाय.